नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। कई पुलिसकर्मियों को मारकर उनके हथियार लूटने और टीपीसी के 16 उग्रवादियों को मौत के घाट उतारने के बाद 13 लाख के इनामी बने जोनल कमांडर सीताराम रजवार उर्फ रमन रजवार को पलामू पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वो हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के झरगड़ा गाँव से सटे झपड़े पहाड़ के पास जंगल से पकड़ा गया। सीताराम पर झारखंड पुलिस ने 10 लाख और बिहार पुलिस ने 3 लाख रुपए का इनाम रखा था। सीताराम झारखंड और बिहार के कई स्थानों में लगभग 51 केस में वांटेड था। 28 केस पलामू और 23 केस औरंगाबाद एवं गया में दर्ज है। गिरफ्तार खोखार नक्सली सीताराम रजवार औरंगाबाद के खैरा थाना क्षेत्र के सलैया गांव का रहने वाला है। इस बात का खुलासा पलामू की एसपी रिश्मा रमेशन ने मीडिया के सामने किया। पुलिस को यह भनक लगी थी कि मोस्ट वांटेड सीताराम रजवार कुख्यात नितेश यादव एवं संजय यादव उर्फ गोदराम दस्ता के साथ झपीटा पहाड़ के जंगल में पनाह ले रखा है। दस्ता का इरादा बहुत बढ़िया नहीं है। रेड के दौरान उसके साथी जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। सीताराम रजवार की फितरत डरा धमका अवैध उगाही करने की है। साल 2001 में माली थाना में 6 पुलिसकर्मियों की हत्या कर हथियार लूटने में उसका नाम उछल कर तब सामने आया था। साल 2016 में काला पहाड़ में पुलिस पार्टी वाहन को उड़ाने में वो वांटेड था। साल 2017 में कैडिया विश्रामपुर में टीपीसी के 16 सदस्यों को मारने में भी उसका नाम उछला था। मोनबार में 2 महिला और 2 पुरुष को फांसी पर लटका देने का इल्ज़ाम भी उस पर लगा था। कल 8 तारीख को ये सूचना मिला था कि जो जरगड़ा गांव के सटे जपिया पहाड़ में माओ नितेश का दस्ता के कुछ लोग छुपा हुआ है कुछ घटना को अंजाम देने के लिए, तो इसी के सत्यापन में अनुमंडल पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी हुसैनाबाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था, जिसमें हुसैनाबाद थाना प्रभारी और लटिया पिकेट प्रभारी भी मौजूद थे और साथ का भी हमारे जवान लोग जो थे साथ में। तो उस एरिया में वो लोग जब गए क्योंकि अंधेरा का फ़ायदा उठा के कुछ लोग भागने में सफल रहे और भागने के क्रम में एक आदमी को जो पकड़ा गया है वो सीताराम रजवार, जो अपने आप में नाम बताया और वो 10 लाख झारखंड राज्य में 10 लाख का इनामी और बिहार राज्य में 3 लाख का इनामी जोनल कमांडर अपने आप को बताया। तो तलाशी के क्रम में एक पर्स उनके पास से मिला जिसमें राजेंद्र सिंह जो कुछ दिन पहले बिहार माली में पकड़ा गया है उनके द्वारा लिखा गया एक चिट्ठी भी उसमें था उस पर्स में। और ये लगभग 65 साल का है और बेसिकली इनका जन्म यहाँ हैदरनगर थाना अंतर्गत हुआ है, लेकिन बचपन में ही इनका पूरा परिवार जो है एनटीपीसी थाना औरंगाबाद में शिफ्ट हो गया है। कितने कांड है और इनके खिलाफ 51 कांड दर्ज है और कुछ महत्वपूर्ण घटना जिसमें पुलिस और सुरक्षा बलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है ऐसी घटनाओं में भी ये शामिल है। जैसे 2001 में माली थाना जो औरंगाबाद के माली थाना के से हथियार लूटने के और उसके बाद 6 पुलिस वालों को मारने वाले और काला पहाड़ में जो 2016 में पुलिस बलों के खिलाफ जो आईईडी ब्लास्ट हुआ था, 2009 में विधानसभा के चुनाव के द्वारा दौरान पोलिंग पार्टीज को जो है टारगेट किया गया था, ऐसे कोई महत्वपूर्ण घटना में भी ये शामिल है। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।